चलो काले पक्षी
सिटिंग इन द ट्री, पेड़ पर बैठे हुए, फ्लू ये वर्ब है, फ्लू अरे उड़ गए, पेड़ पर बैठे हुए काले पक्षी उड़ गए। तो प्रश्न उठता है कि कौन उड़ गया, काले पक्षी, अरे कौन सी काले पक्षी, पेड़ पर बैठे हुए। तो ये सिटिंग इन द ट्री, अब ये देखिए शब्दों का समूह है और इसे हम क्या कहेंगे, फ्रेज। तो बच्चों फ्रेज का मतलब समझ गए होंगे, इससे हम आगे भी जब हम पढ़ेंगे तो आप लोग 9th-10th की क्लास में देखेंगे तो वहां पर भी आएगा कि जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट को डिवाइड करेंगे तो सब्जेक्ट पार्ट में भी आएगा, प्रेडिकेट पार्ट में भी आएगा, इसी तरह से फ्रेजल वर्ब आप पढ़ेंगे, जो फ्रेजल वर्ब होते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं, एडवर्बियल फ्रेज होते हैं। तो अभी हम शुरुआत से चूंकि पार्ट्स आप स्पीच से लेके चल रहे हैं इसलिए बीच में वो प्रोनाउन की डिफिनेशन में एक बात आई थी, इसलिए ये चीज आज हम आप लोगों को समझा रहे हैं। इसको अच्छे से समझिएगा, अपनी कॉपी पे लिखने की कोशिश करिएगा और अपनी तरफ से सेंटेंस बनाने की कोशिश आप लोग करेंगे।